This is Swati. Welcome back to my channel. And today I am going to explain you the second part of chapter number 17, Across the Wall. So friends, let's get started. We asked, was it easy to make a beginning? हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? तो खुशनूर ने बताया, At first my parents refused. पहले तो मेरे माता पिता ने मना किया. But when I insisted, they agreed. जब मैंने जिद की तो वो मान गए. अफसाना बताती है, My mother works in the flats and sends us to school. हमारी माँ जो है वो, मेरी अम्मी जो है वो घरों में काम करती है और हमें स्कूल भेजती है. उन्हीं जो पैसे उसको मिलते हैं उन्हीं पैसे से हमें स्कूल भेजती है. I also help her. मैं भी उनकी मदद करती हूँ. When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry. जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक है, मन कर रहा है, तो ये बात सुनकर अम्मी बहुत गुस्सा करने लगी. सी सेड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. उन्होंने कहा कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं. डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. अपना काम करो, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो मन लगा करके. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. तुम्हें खेल मैदान में खेलने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट वेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक्ड टू हर, अम्मी एग्रीड. लेकिन जब मेरी सहेलियों ने और कोच सर ने उनसे बात की, उनको मनाया, तो मेरी अम्मी जो है वो मान गई. अफरीन बताती हैं, अब वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. हम लड़कियां हैं इसलिए हमें खेलने का कोई हक नहीं है. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस. मेरी जो दादी माँ है वो हम तीनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले. लेकिन फिर भी हम तीनों बहनें यहाँ खेलने आते हैं. ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड आवर कोच सर. ग्रैंड माँ हमारे ऊपर भी गुस्सा करती हैं और हमारे कोच सर के ऊपर भी गुस्सा करती हैं, उनको भी डांटती हैं. सी टेल्स अस, वो हमें बताती हैं, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले. तुम्हें खेलने के लिए पूरा सामान चाहिए. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ. तुम्हें ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा. वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम. इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे. बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स. लेकिन जो हमारे डैडी हैं वो हमारी भावनाओं को समझते हैं. ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम. वो हमें खेल खेलने के लिए कुछ पैतरे भी सिखाते हैं, अच्छे अच्छे पैतरे सिखाते हैं. माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड वेन ही वॉज यंग. जब हमारे डैडी भी यंग थे, जवान थे, तो वो भी इसी मैदान में खेलते थे. ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ. उनके पास पूरे अच्छे कपड़े और अच्छा जूते नहीं थे. ही यूज टू प्रैक्टिस विथ ए प्लास्टिक बॉल. और उनके पास बॉल भी नहीं था, तो वो प्लास्टिक के बॉल से प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे. डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच वेन ही यूज टू प्ले. जब वो खेला करते थे तब बच्चू खान जो है वो कोच थे. ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. बच्चू खान ने एक बार मेरे डैडी को खेलते हुए देख लिया था. ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली. उन्होंने बोला, देखा और सोचा कि ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है और इसको अगर अच्छी से ट्रेनिंग मिली तो ये बहुत अच्छा खेलेगा. ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. उन्होंने मेरे डैडी को अच्छा कपड़ा और अच्छे जूते दिए खेलने के लिए. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे. बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम. लेकिन उनकी जिम्मेदारियों की वजह से ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब. वो उन्होंने खेल खेलना छोड़ दिया और एक नौकरी पकड़ ली. सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स. इसलिए वो चाहते कि हम सब खेलें और एक अच्छे खिलाड़ी बने. वी आस्ड टेल अस अबाउट योर टीम. टीम हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ कुछ. वन गर्ल एक लड़की. वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था. वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर. हम लड़कियों की पहली टीम थी यहाँ पर. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग. लोग यहाँ आते थे, हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो हमें देखते थे. दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स कुड प्ले बास्केटबॉल. वो आश्चर्य में थे, वो उनको अजूबा लगता था कि अरे ये लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड. अब लोग इतने आश्चर्यचकित नहीं होते हैं. दे हैव बिगिन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल. अब उन्होंने ये बात मान ली है कि हम लड़कियां भी अच्छा खेलती हैं, खेल सकती हैं. अफसाना. आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग. जब हम पहले बार खेलना शुरू किए थे तब मैं 11 साल की थी. एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले मैच. तब हमें यह मना था कि कहीं और जा करके खेलना मना था हमें. इट वॉज बीन टू ईयर्स सिंस देन.
अब 2 साल हो गए हैं, नाउ वी गो टू अनदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेस, अब हम दूसरे जगहों पर भी जाके अपने मैच खेलते हैं, बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, ये सब हमारी कड़ी मेहनत और सर के सिखाने के बदौलत हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है, यस वी रियली वर्क हार्ड, सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट जी, अरे हाँ हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारे सर भी बहुत सख्त हैं, वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइजेस, पहले हम एक साथ दौड़ लगाते हैं फिर हम कसरत करते हैं, सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें सिखाते हैं कि कैसे गेम को खेल को अच्छे से खेलना चाहिए, वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ अस, हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे बॉल को अपने पास रखना है, टू डज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, दूसरे टीम को बॉल देने से कतराना है, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, और बॉल को कैसे बास्केट में डालना है, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, और खेल की कैसे बढ़िया गोल करना है, कैसे बॉल को पास करना, एक दूसरे के ही पास करना है और कैसे दौड़ना है, ये सब हमारे सर हमें सिखाते हैं। अफरीन बताती हैं, सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल, खेलते समय ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, प्ले लाइक अ प्लेयर, खेल एकदम खिलाड़ी की तरह खेलो, कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट ए लिटिल इंजर्ड, अगर तुम्हें छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो भी खेलते रहो, वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फैन, और एक दूसरे को उत्साहित करते रहो और बोलो कि चलो उठो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, Now our game has improved a lot. अब हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है. Everyone says that we play as well as the boys team. अब सब लोग ये कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल लड़कों के ही तरह खेलते हैं. So friends, chapter number 17 का second part मैं यहाँ पे end कर रही हूँ. उसके आगे मैं third part upload करूँगी. So friends, मेरे channel को देखने के लिए thank you friends.